ये सीमेंट का बोरा से ये इस तरह का ट्रिपल इस तरह का चटाई यदि बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों क्या सिलाई मशीन में जो आपका घर पर सिलाई मशीन है उस पर सिलाई करना चाहिए और कीजिएगा तो क्या क्या सावधानी होना चाहिए। क्या ग्राहक यदि ला देता है सीमेंट का बोरा तो आप उसको सिलाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा, इस वीडियो में मैं ए टू जेड पूरा बताने वाला हूँ। जो कि आप लोग का भी कॉमेंट था सीमेंट का बोरी सिलाई करेंगे तो मशीन ख़राब हो जाता है तो कपड़ा सिलाई ठीक से नहीं हो पाएगा, ए टू जेड इस वीडियो पर आप लोग को जानकारी मिलेगा, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं से त्रिपल कैसे बनाते हैं दोस्तों और सीमेंट की बोरी से त्रिपल चटाई बनाने का आसान तरीका, सीमेंट की बोरी से चटाई कैसे बनाएं दोस्तों। एक बार धोने से भी उतना साफ से धुलाई नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ सीमेंट लगे रहता है, इसलिए सब ज़्यादातर बता रहा है कि सीमेंट की बोरी सिलाई करने से मशीन ख़राब हो जाता है। कहना बिल्कुल सही है किंतु दो छः पीस बोरा है, ठीक है, ये सीमेंट की बोरी है तो इसमें मैं आपका चटाई बनाऊँगा या त्रिपल जो बोलिएगा घरेलू यूज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सीमेंट बोरे को दोनों तरफ काट लेना है दोस्तों और इस तरह का सूता निकल रहा है यहाँ पर भी काट करके सीधा कर लेना है और इस तरफ साइड में भी काट लेना है एक पीस सर एक पीस दो पीस तो यहाँ पर बीच में जॉइंट करते हैं। ये मेरा हो जाएगा आपका इतना चौड़ाई, बाकी इधर से लंबा कर देंगे। तो इस तरह से आपको इस तरह सिलाई करना है, इस तरह से कीजिए और तो थोड़ा छोटा बड़ा कम बेसी कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कम बेसी की चलिए सिलाई करते हैं यहाँ पर इस तरह से एक चाप से ज़्यादा दूर। मैं दोस्तों यही सिलाई मशीन से ही कपड़ा सिलाई करता हूं और इसमें भी चौट यही सीमेंट का बोरा भी सिलाई करके आपको दिखा रहा हूं। तो पहले सबसे पहले क्या कि मैंने दोस्तों समूचा इसमें हर जगह में तेल दे दिए, ठीक है। और देखिए ये मेरा एक साइड सिलाई हुआ, इसको आप क्या कीजिए इसको इस तरह से खोल दीजिए। इस तरह से आपको सिलाई करना है, ठीक है, जैसे लुगी सिलाई होता है दोस्तों सेम वही प्रोसेस वही सिस्टम से करना है इस तरह से, ताकि ये खुजरा सब यहाँ पर ये इस तरह से बैठ जाएगा। ठीक दोस्तों दो पीस बोरा मेरा यहाँ जॉइंट मैंने कर दिया है, इसी तरीका से आपको छः पीस है बोरा इसी तरह से दो दो करके ज्वाइन करना है। ओके ये दो पीस मतलब छः पीस हो गया। देखिए इस तरह से यदि कोई बोरा छोटा बड़ा है तो जो एक दूसरे के पास इस तरह से मेरा ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट जैसे होगा ये आपका लंबाई में बढ़ेगा, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं इस तरह से ज्वाइंट करना है। ओके सुई मैंने इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों 18 नंबर सुई इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये पर थोड़ा सीमेंट का बोरा थोड़ा पतला है इसलिए 18 नंबर आपका आराम से चलेगा, ठीक है। और सूता है दोस्तों ये धागा वही जो जिसमें पेंट कपड़ा साफ सिलाई करते हैं वही सूता धागा है। नहीं तो आप लोग का सवाल रहता है कि इस बोरा में कितना नंबर सुई चाहिए क्या नहीं, तो इसमें पेंट जो सिलाई करते हैं बस वही नंबर वही आपका सुई धागा से ही आपका हो जाएगा। ये मेरा सिलाई होगा, अब इसको फिर मोड़ देना है। सिलाई करते वक्त देखिए तो ये मेरा तेल है, ठीक है, ये तेल ये हाथ में आपको लगाना है। ओके ये मैं लगाइए, लगाने के बाद ये सुई में देखिए दोस्तों इस तरह सुई में आपको लगा देना है ताकि क्या होगा यहाँ पर आपका स्लिप करते रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सुई में इस तरह बीच बीच में आपको सिलाई करने के बाद आपको लगाते रहना है ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, धागा टूटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से सिलाई करना है तो सीमेंट की बोरी यदि आप रोज़ यूज कर रहे हैं रोज़ सिलाई कर रहे हैं तब तो कपड़ा के लिए दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। तब तो आपको बोरा सिलाई के लिए स्पेशल आपको सिलाई मशीन अलग छोड़ देना है, जिसमें सिलाई बोरा कीजिएगा उसमें कपड़ा सिलाई नहीं करना है, ठीक है। और यदि आपका घर पर है बीच बीच में कीजिएगा, साल में 6 महीना में यदि एक दो को बोरा सिलाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब तो आप उसी आपका जो सिलाई मशीन है कपड़ा वाला वही से आप सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राहक का यदि आप काम रहे दुकान है और ग्राहक का रोज़ रोज़ सिलाई करना कोशिश कर रहे हैं तब तो आपको मशीन ख़राब इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों ग्राहक लोग है ना झूठे बोल देगा कि धो दिए हैं, यदि आप ठीक से नहीं धोकर लाएगा तो आपका मशीन ख़राब हो जाएगा, या तो आपको खुद तब बोरा को पानी से फ्रेश करके धोना पड़ेगा तभी जाकर के आप सिलाई कीजिए, नहीं तो ग्राहक का तो नहीं करना है ना, नहीं तो मशीन आपका ख़राब हो जाएगा। और यदि आपका एक्स्ट्रा मशीन रखा हुआ है तब स्पेशल बोरा के लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरा और मशीन आए तो इसमें भी आपको दिखा दिए कि जिसमें कपड़ा सिलाई करता हूँ उसमें भी आप सिलाई कर सकते हैं, मगर आपको साफ़ सुथरा कुछ सावधानी जो जो बता रहे हैं वही बता आपको उस सबको फ्लो करना है, ठीक है। क्योंकि आप यदि
कोई कोई ठीक से धोएगा नहीं है, इसमें पूरा सीमेंट लगा रहेगा, तो अब तो मशीन में तो ख़राब आपका हो भी कर गया। ठीक है, और साफ़ सुथरा ठीक से कर लीजिएगा और धोइए, धो करके तब तो दिक्कत नहीं है। फिर सिलाई करते वक्त आपको तेल लगाना है, जैसे मैंने तेल लगाई, फिर इस तरह से आपको तेल लेना है हाथ में, उंगली में, और इस तरह से सुई में लगा देना। ठीक है, इस तरह लगाते रहना, और समूचा मशीन में भी तेल आपको नीचे में जितना है, पार्ट पुर्जे है ना, बॉबिन केस जितना है, सब वहाँ उस सेटल मेटल जितना है वहाँ पर हर जगह में आपको तेल दे देना है। और सिलाई होने के बाद भी लास्ट में भी आपको तेल दे करके साफ कर देना है, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये दोस्तों देखिए, इधर दो दो चार हो गया, और इस दो को जोड़ना है। ठीक है, इस दो को भी जोड़ देते हैं, तो ये मेरे छः पीस बोरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको चलिए जोड़ते हैं। और दोस्तों जॉइंट करने के बाद किनारे किनारे इस तरह से आपको मोड़ लेना है, ताकि इसका जो बोरा का जो है ना आपका धागा सब ये सब निकल जाता है, वो आप निकलेगा नहीं, वो मजबूत रहेगा। इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ लीजिएगा तो मतलब मोड़ करके समूचा चारों तरफ ये चारों राउंड में आपको ये सिलाई चला दे रहा है। ठीक है, और ये दोस्तों मेरा ये सिलाई हो गया है। चलिए आपको खोल करके आपको पूरा दिखाते हैं। तीन चार बार धोइएगा तभी जाकर हो पाएगा, एक बार भी उतना नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए इसको ऐसे कपड़ा से साफ़ कर लीजिए। लेने के बाद आपको इसको मशीन को उल्टा लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर है, इस जगह को, इस बॉबिन केस, इस सबको आपको सबको निकाल लेना है। ओके, ठीक है, यहाँ गंदा धूल, सीमेंट का जो धूल है वो यदि आपको यहाँ पर लग चुका है, देखिए है ना, ये सब गंदा सब आपको दिखाई दे रहा है ना, इस सबको साफ़ करना है ना। तो इस तरह से आपको साफ़ करना है, और इसके बाद आपको तेल भी लगा देना है, ताकि इसके बाद कपड़ा सिलाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जगह कि आप सीमेंट का सीमेंट यूज कीजिएगा, सीमेंट का बोरा मशीन में सिलाई कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। आप यदि ऐसे सिलाई करके छोड़ दीजिएगा तो मशीन आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है, तभी जगह कीजिए। बोरा भी ध्यान रखना है, बोरा धोकर होना चाहिए, एक बार में दो बार धो लीजिएगा, ताकि आपका सीमेंट बोरा में ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से कपड़ा भर भर करके सब साफ़ कर लेना है। इस सिलाई करने के बाद ड्रॉप में तेल है, आप तरह से तेल लगा दीजिएगा, ताकि क्या होगा, यहाँ पर भी यदि कुछ सीमेंट का भी कुछ अंश, कुछ हिस्सा यदि आपको मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आप नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से लगा लीजिएगा बॉबिन केस, बॉबिन यहाँ पर भी आप लगा दीजिएगा। ठीक है, ये सब में आप लगा दीजिएगा। बोरा सिलाई करने के बाद तुरंत आपको ये करना चाहिए। ठीक है, ये तुरंत कर लीजिएगा, तो आपका जल्दी से मशीन ख़राब नहीं होगा। और ये सुई रॉड यहाँ पर भी आपको लगाना है। ठीक है, ऐसे तो समूचा तेल देना है, किंतु सिलाई करने के पहले भी दीजिएगा और सिलाई होने के बाद भी दीजिएगा। ठीक है, और जो भी देखिए सीमेंट का बोरी से मैंने ये चटाई बना दी है, तिरपल बना दिए दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चटाई बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।